हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम निलेश रंजन है और आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि जब एक साझेदार फर्म से रिटायर होकर जाता है तो उसके लिए हमको बिजनेस की बुक्स में, फर्म की बुक्स में कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। तो इन सब को जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट होता क्या है। तो रिटायरमेंट का मतलब है कि जब एक साझेदार फर्म के साथ, जो साझेदारी फर्म है जिसमें वो पार्टनर था उसके साथ, या उसके दूसरे जितने भी साझेदार हैं उन सब के साथ अपने रिलेशन को, संबंध को खत्म कर देता है, पूरी तरह खत्म कर देता है। कौन से रिलेशन? साझेदारी वाले रिलेशन। पर्सनल रिलेशन की बात नहीं हो रही, साझेदारी वाला जो उनका संबंध था, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब का जो बंटवारा वाला संबंध था वो पूरी तरह खत्म कर देता है और वो फर्म का पार्टनर नहीं रह जाता है। तो इसको हम अवकाश ग्रहण कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो रिटायरमेंट मींस व्हेन अ पार्टनर एंड हिज रिलेशनशिप विथ फर्म एंड अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म एंड सीज टू बी अ पार्टनर, then it is called retirement। ठीक है, तो retirement का मतलब तो पता चल गया। अब जैसे ही retirement मैंने आपको बताया तो आपके दिमाग में एक बात आया होगा कि एक अच्छा खासा business चल रहा होगा, उसमें से उसका एक partner retire क्यों होना चाहेगा, या ये कह लीजिए कि बहुत दिन से हम partnership में थे, हो सकता है 1 साल से 3 साल से 5 साल से 10 साल से जितने भी समय से थे, तो अचानक किसी साझेदार के दिमाग में ये बात कहां से आ सकती है कि हम पार्टनरशिप से रिटायर हो जाए। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, जो मेन कारण है वो मुझे, जो मैं आपको बता रहा हूं, वो 2-3 कारण लगते हैं। एक तो झगड़े का कारण होता है, डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में, झगड़ा हो गया। अब विवाद बढ़े ना, इसलिए कभी कभी कुछ लोगों के मन में होता है कि झगड़ा चल रहा है तो हट ही जाते हैं बिजनेस से, तो उस सिचुएशन में कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो कारण हो गया डिस्प्यूट। दूसरा कारण है कि वो काम करने लायक नहीं है, या तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है या फिर उसकी एज इतनी हो गई है कि वो बिजनेस को चलाने में सक्षम नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी वो चाहेगा कि वो रिटायर हो जाए। तो ये दूसरा कारण हो सकता है बिजनेस से रिटायर होने का। तीसरा कारण अदर रीजंस में आ जाएंगे कि हो सकता है कि बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ना हो और वो कोई दूसरा और काम उसने देख लिया हो। ठीक है, या और भी अनेक कारण हो सकते हैं, तो इसको अदर रीजंस में हम डाल सकते हैं। तो एक तो डिस्प्यूट हो गया, दूसरा इलनेस हो गया या एज फैक्टर हो गया, और तीसरा हो गया अदर रीजंस, जिसमें कि कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कारण है किसी भी साझेदार का बिजनेस का बिजनेस छोड़ के जाने के लिए, फर्म को छोड़ के जाने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि जब भी एक साझेदार फर्म को छोड़ के जाएगा तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर उसको फर्म को छोड़ के जाना है और फर्म में कोई एग्रीमेंट जैसी कोई चीज नहीं है, तो उसको सभी साझेदारों से सहमति लेनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि सर, बिजनेस अपना है, पार्टनरशिप अपने नाम पे था, तो हम फर्म क्यों छोड़ के ऐसे ही नहीं जा सकते हैं, मतलब बिना सबकी सहमति के भी तो जा सकते हैं, अगर सब मना कर देगा तो नहीं जा पाएंगे। तो यस, नहीं जा सकते हैं ऐसे, क्योंकि आप अगर बिजनेस छोड़ के अचानक जाते हैं तो जो दूसरे साझेदार है या बिजनेस है उस पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं जाते हैं बिजनेस से। आपसे रिलेटेड काम बिजनेस में करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, आप जो अपना पैसा लगाए हैं वो लेके चले जाएंगे, तो बिजनेस में अचानक पूंजी की कमी हो जाएगी, तो इसके कारण हो सकता है बिजनेस डूब ही जाए। तो इसीलिए आपको अन्य साझेदारों से सहमति लेनी पड़ती है। ठीक है, तो पहला जो प्रोसीजर है ये कि आपको सहमति लेनी पड़ती है। हाँ, बिना सहमति के भी जा सकते हैं, लेकिन कब? जब पार्टनरशिप इज एट विल, मतलब इच्छा पर पार्टनरशिप चल रही हो, एक पार्टनरशिप का कैटेगरी है, तो उसमें आप नोटिस देंगे कि हाँ मैं पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हूं, और उतने में ही आपका काम हो जाएगा, आप छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको सहमति लेने की जरूरत नहीं है। और तीसरा सिचुएशन है जब एग्रीमेंट हो सभी पार्टनर्स के बीच में,
और एग्रीमेंट में पार्टनरशिप से रिटायरमेंट का प्रक्रिया दिया हुआ हो तो आप उस प्रक्रिया का पालन करके फर्म को छोड़कर जा सकते हैं। तो ये तरीका है पार्टनरशिप को छोड़कर जाने का। पहला कि अगर एग्रीमेंट जैसी कोई चीज नहीं है या एग्रीमेंट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है तो आपको सभी साझेदार की सहमति लेनी जरूरी है। दूसरा, अगर पार्टनरशिप इज एट विल हो तो आपको केवल नोटिस देना पड़ेगा और आप फॉर्म छोड़कर जा सकते हैं। और तीसरा, अगर एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट कैसे होगा तो फिर आपको उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, तब जाके आप रिटायर होंगे। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं पार्टनरशिप से रिटायर होने के, कंडीशंस के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में। इसके बाद जो बात आती है कि एक पार्टनर जब भी रिटायर होगा तो उसके क्या राइट्स होते हैं और क्या ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं। तो सबसे पहला उसके कर्तव्य क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जब भी एक साझेदार बिजनेस से रिटायर होकर जाएगा तो जब तक जिस तारीख को वो रिटायर हुआ है उससे पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किए गए थे उन सब के लिए वो जिम्मेवार होगा रिटायरमेंट के बाद भी। फिर से बोलता हूं, रिटायरमेंट होने के बाद भी रिटायरमेंट से पहले वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उन सब के लिए वो जिम्मेवार माना जाएगा। ठीक है, अब रिटायरमेंट जैसे ही हुआ उसके बाद के लिए वो लायबल नहीं है। अगर नोटिस दे दिया जाता है उसके रिटायरमेंट का, तो अगर नोटिस नहीं दिया जाता है तो दूसरे लोग अगर ये अभी भी मान के बैठे हैं कि वो बंदा, वो व्यक्ति अभी भी अगर बिजनेस में पार्टनर है तो फिर वो रिटायरमेंट के बाद के एक्ट के लिए भी जिम्मेवार माना जाएगा। फिर से इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। अगर रिटायरमेंट का जो तारीख है उससे पहले के तो जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, उस सब के लिए तो वो जिम्मेवार है ही, और उन सब के यानी कि रिटायरमेंट के बाद के भी जितने भी एक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके लिए भी जिम्मेवार होगा अगर उसके रिटायरमेंट का नोटिस नहीं दिया गया है और दूसरे लोग ये समझ के चल रहे हैं कि अभी तक ये बंदा पार्टनरशिप में है। तो इसीलिए पार्टनरशिप से अगर रिटायर हुए हैं तो नोटिस देना जरूरी होता है। एक बार नोटिस दिया तो फिर जिस दिन का नोटिस होगा, जिस दिन का रिटायरमेंट का डेट होगा, उसके बाद की कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप जिम्मेवार नहीं होंगे अगर नोटिस दे दिया गया है तो। ठीक है, तो ये तरीका होता है। एक तरीका और है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है तो पार्टनर जो रिटायर हुआ है वो, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो और जो थर्ड पार्टी, इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाए कि हाँ ठीक है जो रिटायर पार्टनर हो रहा है वो जिम्मेवार नहीं होगा, तो ऐसे सिचुएशन में भी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। तो ये सिचुएशंस है उसके दायित्व के। अब बात करते हैं अधिकार के। तो अधिकार क्या क्या होते हैं एक साझेदार के। तो जब भी एक पार्टनर रिटायर होता है तो वो बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि अगर वो सिमिलर बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता है तो उस पर भी कोई पाबंदी नहीं। हाँ, बशर्ते कि अगर कोई एग्रीमेंट है इसके रिगार्डिंग, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कोई पार्टनर अगर रिटायर होगा तो 2 साल तक सेम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो साइन करके गया है एग्रीमेंट, तो ऐसे सिचुएशन में वो सेम बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो सेम बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। हाँ, केवल वो पार्टनरशिप बिजनेस का नाम यूज नहीं करेगा। वो ये नहीं करेगा कि बिजनेस के जो पुराने कस्टमर्स हैं उसको अपने पहचान की वजह से अपने में खींचने की कोशिश करे, तो यहाँ पे उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर वो सेम बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता है तो कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि पार्टनरशिप में सीमेंट का, बालू का, गिट्टी का, ये सब बिजनेस चल रहा था और वो हट गया और उसने सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, तो कर सकता है। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप फॉर्म का नाम यूज नहीं करेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से वो स्टार्ट कर सकता है। दूसरी चीज, जब वो रिटायर होगा तो ऑब्वियसली उसके जो बिजनेस में पैसे लगे हुए वो उसको मिलने चाहिए। अब वो उसको हो सकता है कि उस वक्त न मिले, उसको कुछ दिन बाद उसका पेमेंट मिले, या
कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो जितने दिन तक उसको उसका पैसा नहीं मिलेगा उतने दिन का ब्याज पाने का हकदार है वो, 6% पर एनम, 6% पर एनम के रेट से वो ब्याज पाने का, इंटरेस्ट पाने का अधिकारी है। अगर उसको ब्याज ना मिलता है तो प्रॉफिट में हिस्सा पाने का अधिकार है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज वो पार्टनरशिप फॉर्म डिसाइड करेगा कि क्या देना है, लेकिन कोई ना कोई चीज मिलना चाहिए, ठीक है, या तो इंटरेस्ट या प्रॉफिट में हिस्सा, दोनों में से जो भी मिल जाए। तो ये इसके अधिकार है। तो ये तो हो गया थियोरटिकल पार्ट। अब रही बात इनके नोट्स की बात करें तो नोट्स आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज से भी ले सकते हैं, हम धीरे धीरे उस पर भी नोट्स डालने शुरू करते हैं। इसके बाद बात आती है कि जब एक साझेदार रिटायर होकर जाता है तो हमको बिजनेस में, बुक्स में कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं जीओ के लिए, ठीक है। तो उनकी हम एक लिस्ट लिख लेते हैं और फिर उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये हैं आपके सारे मेन एडजस्टमेंट जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे करने होते हैं। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब क्या हुआ कि जब भी एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा तो एक सिंपल सा मैटर है कि वो अपना हिस्सा लेकर नहीं जा सकता है, वो बिजनेस में छोड़ के जाएगा। तो वो हिस्सा किसको मिलेगा? तो जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो बिजनेस में रह जाएंगे, उनको वो हिस्सा मिल जाएगा। तो उनका हिस्सा अपने आप बदल जाएगा, है कि नहीं? जब कोई पार्टनर गया तो अपना हिस्सा तो वो छोड़ के गया, तो छोड़ के गया तो उस सिचुएशन में वो हिस्सा मिला रिमेनिंग पार्टनर को। तो रिमेनिंग पार्टनर को मिला तो आपको हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो सकता है ना दिया हो, ये भी बताया हो सकता है कि किस रेशियो में उनको मिला, ठीक है, तो ये भी बता सकता है। तो जैसे ही उनको मिलेगा तो उनका रेशियो बदल जाएगा, हो सकता है बदल जाए, हो सकता है ना बदले, लेकिन हमको कैलकुलेट करना जरूरी है न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कभी कभी ये भी होता है कि एक पार्टनर गया और जो रिमेनिंग पार्टनर है उसमें से एक का सैक्रिफाइस हुआ और दूसरे को गेन हो गया, ये भी होता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकालना पड़ता है। तो न्यू रेशियो तो निकालना इसलिए जरूरी है कि पार्टनर गया तो छोड़ के गया अपना हिस्सा, उसके बाद गेनिंग रेशियो किस रेशियो में इनको रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा मिला है ये जानने के लिए, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की अगर रिटायरिंग पार्टनर के अलावा और किसी भी साझेदार का सैक्रिफाइस हुआ है तो ये रेशियो पहला एडजस्टमेंट है हमारा। दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल आपको पता है कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है, गुडविल का हम अनुमान लगाते हैं, एक्चुअल फिगर हमको नहीं पता होती है तो गुडविल का हम अनुमान लगाते हैं। तो जब एक नया साझेदार आता है तो उस वक्त वो गुडविल लेकर आता है, तो जब एक पुराना साझेदार जाएगा तो वो भी तो अपना हिस्सा गुडविल का लेके जाएगा, तो इसीलिए हमको गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका गुडविल का हिस्सा उसको देना पड़ेगा। अब बात आती है गुडविल जरूरी थोड़े ना बिजनेस में, देखिए गुडविल का ऐसा कुछ नहीं, मैंने पहले ही बोला है अनुमान की बात है। तो यहाँ पर हमको देखना ये होगा कि बिजनेस अगर कुछ दिन से चल रहा हो तो थोड़ा बहुत तो नाम होगा ही बिजनेस का, तो उसके लिए हमको गुडविल की कैलकुलेशन जरूरी हो जाती है। और हम यहाँ पे कोई पूरा एग्जाम एक्चुअल मैटर तो पढ़ नहीं रहे, एक्चुअल सिचुएशन तो पढ़ नहीं रहे, तो जो हमको क्वेश्चन देगा हम उसकी ही बात करेंगे, तो उसमें हो सकता है गुडविल के बारे में बोले तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा सिचुएशन है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। मतलब क्या हुआ कि हम अगर जितने भी दिन से हमारा बिजनेस चल रहा होता है, 5 साल 10 साल 15 साल जो भी है, तो हमने होता है जनरली बिजनेस में ये कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ ना कुछ पैसा अनसर्टेन इवेंट्स के लिए रखा जाता है कि अचानक से घटने वाली घटनाओं के लिए, तो उस सिचुएशन में वो प्रॉफिट का हिस्सा होता है। तो उसको अगर बिजनेस में छोड़ देगा रिटायरिंग पार्टनर तो उसके लिए तो नुकसान है ना, वो अपना हिस्सा क्यों छोड़ भी जाएगा बिजनेस में, तो उसमें से उसका हिस्सा उसको देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको रिजर्व्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस का भी बंटवारा करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। तो रिटायरमेंट के टाइम में हमको बंटवारा करना होता है।
उसके बाद बात आती है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की। तो ये तो हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एक बिजनेस है, बिजनेस में बहुत दिनों से एसेट्स पड़े हुए हैं, लायबिलिटी पड़े हुए, तो हो सकता है उनकी फिगर में चेंजेस हो गए, बदलाव हो गए, तो उन बदलावों के वजह से हमको हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो, तो इस प्रॉफिट और लॉस में भी हिस्सा रिटायरिंग पार्टनर का देना जरूरी है। अब दिमाग में आता है कि सर ऐसा क्यों करेंगे हम, हर चीज को बांटना जरूरी थोड़ी ना है। तो यस, बांटना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए प्रॉफिट था, अगर बिजनेस में प्रॉफिट था इन सब चीजों के कारण, और वो रिटायरिंग पार्टनर को नहीं मिलेगा, तो रिटायरिंग पार्टनर को बुरा लगेगा कि अच्छा मेरा पैसा था हमें को नहीं मिल रहा। और अगर बिजनेस में लॉस था और उसमें से हम रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा नहीं देंगे, तो बाद में वो लॉस किन को बांटना पड़ जाएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स को बांटना पड़ जाएगा, जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए नुकसान है। तो दोनों को उनके प्रॉफिट और लॉस के एक्स्ट्रा जो हिस्सा उनका पड़ेगा उससे बचाने के लिए हमको बंटवारा कर लेना उचित होता है। ठीक है, सही होगा कि हम अभी भी सही से बंटवारा कर लें। ठीक है, उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। अब जो पार्टनर जा रहा है उसको पैसा कितना देना है, क्या क्या देना है, वो सब जोड़ घटा हम यहाँ पे करेंगे, और उसको कैसे पेमेंट करना है, पेमेंट का तरीका है, वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और आता है खास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या पढ़ना है हमको, तो जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, एक सिंपल सी बात है कि पार्टनर तो रिटायर होकर चला गया और अपना पैसा भी बिजनेस से लेके चला गया, अगर हमने उसी वक्त दे दिया तो, अगर नहीं दिया तो एज अ लोन उसका बिजनेस में पैसा रहेगा। लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो पैसा लेके गया है रिटायरिंग पार्टनर, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका बिजनेस पे। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि बिजनेस में पैसों की जरूरत होती है और पैसा कोई मतलब उस वक्त अगर ना हो तो बिजनेस डूब जाता है, बंद हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए उसका इम्पैक्ट सोच के और फिर रिमेनिंग पार्टनर को उसके हिसाब से एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो हो सकता है अगर पैसों की कमी दिख रही होगी उनको, तो फिर उनको पैसा घर से लेके आना पड़ेगा, और पैसा घर से वो किस अनुपात में लेके आए ये भी तय करेंगे। तो वो सब कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट है, जैसे कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की बात आती है, और एक दो छोटे मोटे एडजस्टमेंट है वो बीच बीच में आएंगे तो पता चल जाएगा, जैसे हिडन गुडविल है वो गुडविल में ही आ जाएगा, तो इस तरह की चीजें। तो ये सारे एडजस्टमेंट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सारे एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले जो मैंने आपको थ्योरी वाला पार्ट बताया उसका भी नोट्स आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेज पे मिल जाएगा। ठीक है, अब तो हम एक एक करके पहले इनको शुरू से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये जो आपका एडजस्टमेंट है इसमें अलग अलग केसेस हैं। केसेस क्या हैं? तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको इसमें दिए रहेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिए रहेंगे, तो उन्हीं केसेस के आधार पे, उन्हीं इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने अलग अलग केसेस बनाए हैं। आपकी बुक्स में भी कुछ केसेस हैं और सब बुक्स में अपने हिसाब से दिया होता है, तो मैंने भी अपने तरीके से वो तैयार किया हो। तो उसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट जो आता है, सबसे पहला केस जो आता है वो ये आता है कि आपको पुराना रेशियो दे देगा सभी साझेदार का, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके बारे में बता देगा, उसके अलावा आपको रेशियो के बारे में कोई सूचना नहीं देगा। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ये केस वन है, जब आपको ओल्ड रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स दिया रहेगा और जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके बारे में सूचना रहेगा, इसके अलावा कोई सूचना नहीं रहेगा। तो केस वन,
And old ratio of all partners are given and no other information about ratio is provided. ठीक है, अब इस सिचुएशन में करना क्या है, तो इसको अगर हम एक एग्जांपल लेके समझे तो ज्यादा बेहतर होगा. जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तीन पार्टनर है, इनका रेशियो है 5:3:2. अब ये आपका एक छोटा सा एग्जांपल की बात करें, ये है. अब इसमें आपको अगर देखना होगा सॉल्यूशन पार्ट जो होगा इसका, ए बी सी 5:3:2 इतना इंफॉर्मेशन दिया और आपको फिर उसमें से बता दिया कि कौन पार्टनर रिटायर्ड है, इसके अलावा कोई सोचना नहीं. तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है अगर मान लीजिए कोई एक पार्टनर जिस सी का बताया कि सी रिटायर हो गया, तो अगर सी रिटायर हो गया तो पार्टनर बचेंगे ए और बी और इनका रेशियो हो जाएगा 5:3. जैसा उनका पुराना रेशियो था वैसा ही रह गया, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये दो हट गया. अगर मान लीजिए बी रिटायर हो गया तो बचेंगे पार्टनर ए और सी और उनका जो रेशियो था 5:2 ये रह जाएगा. ठीक है, उसी तरह अगर ए रिटायर हो गया तो पार्टनर बचेंगे बी और सी और उनका अनुपात हो जाएगा 3:2. सिर्फ तो मतलब जो पार्टनर जा रहा है आप सिर्फ उसका रेशियो हटा दीजिए और बाकी जितने भी पार्टनर था उनका जो अपना रेशियो पुराना था रिमेनिंग पार्टनर का वो सेम रह जाएगा, उसमें कुछ नहीं. ठीक है, इस रेशियो में बात आएगी कि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग की बात आएगी. तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो जनरली आपको कैलकुलेट हो, तो कोई एक इसमें से मैं ऑप्शन ले लेता हूं. जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया सी रिटायर हुआ, वो वाला ऑप्शन ले लिया. ठीक है, अब सी रिटायर हुआ तो ए और बी का न्यू रेशियो को पता है और ए और बी का ओल्ड रेशियो को पता है, तो आपको पता चल जाएगा ए का और बी का अलग अलग. ए और बी का गेनिंग यहां पर निकालना है, वो तो गेनिंग में फॉर्मूला जो होता है वो होता है न्यू माइनस ओल्ड का. ठीक है, तो गेनिंग रेशियो ए का पुराना रेशियो था 5:10 और नया रेशियो है 5:8 और बी का है 3:8 5:8 और 3:8 उसमें से उनका पुराना रेशियो 5:10 और 3:10 माइनस कर देंगे 5:40 और ये आ जाएगा 3:40. तो आप देखेंगे कि रेशियो सेम आ रहा है 5:3, यही इनका गेनिंग रेशियो. और रही बात सैक्रिफाइसिंग की, तो सैक्रिफाइसिंग सिर्फ सी रिटायर हुआ तो सैक्रिफाइसिंग सिर्फ सी का होगा 2:10. ठीक है, अब यहां पर आप देखिए जो उनका न्यू रेशियो है 5:3 वही उनका गेनिंग रेशियो हो गया, तो आपको ये ही लेके चलना है. मतलब यही आपका कॉन्सेप्ट है इसमें कि आपको इसमें कुछ अलग नहीं करना है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका रेशियो सिर्फ रिमूव कर देना है, हटा देना है, और जो बाकी बचे हुए पार्टनर है उनका रेशियो पुराने अनुपात की तरह ही सेम रह जाएगा. ठीक है, बस उसमें जो नए अनुपात है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका रेशियो हट जाएगा और कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, तो ये सॉल्यूशन मैं मिटा देता हूं. सॉल्यूशन वाला जो पार्ट होगा उसमें आपको लिख लेना है इन दिस केस न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर विल बी सेम एज बिफोर. मतलब इस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका रेशियो पहले के उनके रेशियो के जैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. फिर गेनिंग रेशियो की बात आएगी तो गेनिंग रेशियो भी सेम एज न्यू रेशियो रहेगा. गेनिंग रेशियो विल बी सेम एज न्यू रेशियो, यानी कि गेनिंग रेशियो भी नए अनुपात के समान रहेगा. तो हिंदी में तो जनरली मैं बोल देता हूं, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, तो आप
आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका केस वन। अब इस केस वन के हिसाब से एक क्वेश्चन जो है बुक का वो मैं देख लेता हूँ और वो करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये लिखने के बाद जो क्वेश्चन है वो मैं इधर कर देता हूँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। क्वेश्चन में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, मेरी बुक पे ये क्वेश्चन पड़ी है, आपकी बुक में पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो आपका जो भी बुक हो उसमें जो भी क्वेश्चन इस तरह का आपको सेम लगे उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मेरा और आपका बुक सेम सेम तो होगा नहीं, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है इनका रेशियो, आप अगर देखेंगे तो एक्चुअली वो रेशियो के फॉर्म में है ही नहीं, तो पहले उसको तो हमको रेशियो के फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। रेशियो के फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो उनका रेशियो है 1/2, बी का है 2/5 और सी का है 1/10। तो अगर आप देखेंगे तो 2 को भी 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है, 5 को भी 10 में कन्वर्ट किया जाता है। रेशियो में लिखने के लिए हमको डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो 10 को 5 नहीं ला सकते, 10 को 2 में नहीं ला सकते, तो इनको इसके बराबर कर देते हैं। तो ये देखना पड़ता है कि नीचे वाले को कितने से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि वो जो सबसे बड़ा है, जिसके बराबर हमको करना है उसके बराबर हो जाए। तो 2 को नीचे से 5 से गुना, तो जितने इसको नीचे से गुना करेंगे उतना ही ऊपर भी गुना हम कर देंगे ताकि वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो इम्पैक्ट आपका अगर देखेंगे आप तो सेम रहेगा, 5/10 को फिर से अगर कन्वर्ट करना चाहे तो हमें 1/2 हो जाएगा, इसीलिए कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है, बस बराबर हो जाता है। इसके 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से इसीलिए गुना कर दिए, तो ये हो गया 4 और ये सेम हो जाएगा। तो उनका जो रेशियो रहेगा वो क्या हो गया, 5:4:1 रेशियो में आ गया। अब इसमें से हमको पता है कि कौन रिटायर हुआ है, तो सी रिटायर हुआ है, तो सी के रिटायरमेंट के बाद जो उनका रेशियो बच जाएगा वो बच जाएगा 5:4, ए बी 5:4, और गेनिंग रेशियो भी सेम ही रहेगा। गेनिंग रेशियो भी, ये तो न्यू रेशियो हो गए, एंड गेनिंग रेशियो भी यही होगा, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो में देख लिया, ठीक है। तो ये है आपका केस वन का थ्योरी पार्ट, इधर प्रैक्टिकल पार्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे फेसबुक मैसेंजर या यूट्यूब कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के वीडियो के अपडेट मिलते रहे, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें।